गाइस यार हमें क्यूट क्यूट से लोग मिल चुके हैं एंड हाय दिल का लुपानी पानी। फाइनली निखिल भैया ने एक लड़की को भाभी बना लिया। सो गाइस यार बहुत दिनों के बाद मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि निखिल की गर्लफ्रेंड कौन है, मतलब सीरियसली वाली गर्लफ्रेंड। हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, दिस इज नागेश व्लॉग 007 बैक टू द न्यू वीडियो। सो दोस्तों कैसे हो आप सभी, आई होप आप सभी मस्त होंगे और अपने अपने गर्लफ्रेंड के साथ मस्त व्यस्त होंगे। क्या बोला तूने? सो फाइनली यहाँ पे निखिल गाड़ी साफ कर रहा है। बहुत तू साफ हो गया? साफ सफाई नहीं करते भाई, गाड़ी का करते हैं। अच्छा मतलब खुद साफ नहीं होता है गाइस से? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ये क्या था भाई? ये तो पॉलिश तेरे को साफ कर दो। नहीं नहीं मेरे को नहीं चाहिए थूक पॉलिश, मैं मस्त नहा के। चलिए गाइस चलते हैं, इसे मद्देनजर रखते हुए। सो मतलब इसे मद्देनजर मतलब इसी के साथ हम लोग अभी जाने वाले हैं। कहाँ जाएंगे बता दो? पूरा लड़की घुमाएंगे। अच्छा पूरा लड़की घुमाएंगे? कितने लड़की घुमाएंगे बता? खतरनाक लड़की घुमाएंगे। मैं पूछा कितनी लड़कियां घुमाएंगे? दो चार देख लेंगे। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी दो चार देख लेंगे। सो गाइस दो चार हम लोग देख लेंगे एंड मैं तो दो चार नहीं देखूंगा, मैं सिजुका को देखूंगा, मतलब शेर का वाल अपना। क्या बोला तूने? गजब बेइज्जती है। ओ समझ गया क्या? थोड़ा बेइज्जती है। नहीं नहीं बेइज्जती नहीं, ये मतलब ये सिजुका और इसकी रानी का आगे नहीं बताऊंगा। चलिए गाइस ज्यादा बकवास नहीं करते हैं एंड आप सभी को एंटरटेन करने निकल पड़ते हैं। तो चलिए अब चलते हैं। तो गाइस यार अभी अभी जस्ट निकल ना मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप कर रहा है, मतलब तैयार हो रहा है। देखो कैसा पहनता है ये, एकदम बंदर टाइप का दिखा। गाइस क्या है बोले, मतलब खरगोश टाइप का खरगोश। तो चलिए दोस्तों अभी फिलहाल हम लोग चलते हैं। यार क्या क्या बकवास करे जा रहा हूँ मैं, और देखो यहाँ पे गाड़ी कितना चमक जा रहा है। अरे तो उसमें मेरा क्या फायदा? ये गाड़ी में हम लोग जाने वाले हैं, ये गाड़ी को रखेंगे फिलहाल, मतलब इसमें पेट्रोल नहीं। यार आप तो जानते होंगे मेरे गाड़ी में ज्यादा पेट्रोल भी नहीं रहता है, मैं गरीब हूँ। सो गाइस मेरा एक बंदर का तबीयत ठीक नहीं है, इसके लिए बात नहीं कर पा रहा है एंड अभी सो के उठ रहा है। ब्रश वगैरह किया है? नहीं करता वे, तबीयत ठीक नहीं रहता, नहीं करना चाहिए। चला जा। ऐसी खाते ना चित्ती गाइस। तबीयत खराब नहीं, सर्दी खांसी हो गया इसलिए थोड़ा बात हुआ, गले ऐसा लग रहा है कुछ कुछ लगा। विक्स की गोली लो, हिचकिच दूर करो। गले में खिचखिच, विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो। ला देना विक्स की गोली। ठीक है जगदलपुर से ला दूंगा। ठीक है विक्स की गोली। विक्स की गोली। तो चलिए दोस्तों इसे जाने देते हैं एंड बहुत दिन के बाद मतलब ये ना छोड़ो रहने दो। चलो ठीक है बाय बाय टाटा बाबू। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं, अपना गाड़ी हो चुका है रेडी। सो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस यार अभी अभी जस्ट अपन लोग पहुंच चुके हैं ये बंदर के साथ जेडीपी में। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। अभी अभी जस्ट पहुंचे हैं और दलपत सागर पूरा खाली खाली लग रहा है। आप लोग सभी लोग बोलते हो यार दलपत सागर में ही रहते हो, दलपत सागर में ही रहते हो, दलपत सागर अपना घर हो चुका है। अच्छा है कि नहीं निखिल? क्यों रूठा हुआ है बताना? रूठे खाबो को मना लेंगे, लटी पतंगों को थामेंगे, है जज्बा तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो गाइस क्या ही बोले, अपना भाई हमेशा दुखी रहता है क्योंकि इसकी गर्लफ्रेंड भाग के किसी और के साथ। इसकी गर्लफ्रेंड को तो म्यूजिक सब जानते ही होंगे एंड इसकी गर्लफ्रेंड भी किसके साथ भागी है किसके साथ नहीं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। सो गाइस फाइनली मैं दलपत सागर में आके सो गया हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा धूप हो रहा है, मतलब बहुत बहुत तेज धूप हो रहा है इसलिए मेरे को नींद आ रहा है, तो मैं मतवार टाइप का सोच दे रहा हूँ। क्या बोला तूने? मतलब नशेड़ी टाइप का सोच दे रहा हूँ अभी। निखिल
फिर कहीं जाना होगा तो मेरे को उठाना, ठीक है? नहीं। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल हम लोग सोते हैं अभी। सो गया ये जहां, सो गया आसमान। सो गाइस, यार अभी अभी जस्ट मैं सो के उठ रहा हूँ और अभी ची मेरे को उठा रहा है निखिल। दृष्टि का कॉल आया था क्या? बैगन नहीं अब कुछ नहीं बोल रही थी यार। मैं लगाया था यार कॉल, लेकिन लड़कियों को यही है यार, इसीलिए लड़की लोग को भी लगाना नहीं चाहिए। तो रहन दो फिर। चल ठीक है, बाय बाय। वहाँ क्यूट क्यूट लोग हैं गाइस, वहाँ पे चलते हैं। तो बने रहना ब्लॉग में। तो गाइस यार हमें क्यूट क्यूट से लोग मिल चुके हैं। एंड हाय, दिल का लुपानी पानी सुरमा। और गाइस ये भी है। यहाँ पे निखिल लोग का रील शूट होने वाला है अभी अभी, मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सबर करे रहो, ठीक है? सो अभी गाना वगैरह चूस हो रहा है। तो गाइस अभी हम इन दोनों बैठ चुके हैं रील शूट करने के लिए, यहाँ पे देख सकते हो। और अपना निखिल भाई बहुत शर्मा रहे हैं। क्यों शर्मा रहे हैं भैया? क्या शर्माएंगे भाई, इतने क्यूट लोग हमें आए रील बनाने का मौका, अवसर दिए। क्या बहुत अच्छा लग रहा है। और आप कुछ बोलना चाहोगे? यार कितनी औसम है, शर्मा रहे हैं गाइस, क्या ही बोल सकते हैं। मतलब क्यूट लोगों का, मतलब कल भी बोला था मैं, क्यूट लोगों का एक पहचान होता है, जो शर्माते हैं वो क्यूट लोग होते हैं। अच्छा। और जो नहीं शर्माते हैं वो कौन कौन होते हैं? नहीं, वो लड़की होते हैं। क्यूट लोग का अलग ही अंदाज रहता है। हाँ जैसे इनका, वैसे आपका पेंट कैसे फट गया? खोना है जिससे वो हो जाने दो, खोना है इसे तो खो। वो ना मेरे को ना ये दिए थे पैंट सिलवाने के लिए। अच्छा। बजंती मेरी जान, आई लव यू मेरी गाइस। फाइनली 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 निखिल भैया ने एक लड़की को भाभी बना लिया। गाइस यू आर वेरी भाभी बना लिया। भाभी कौन बोला? मैं बोल रहा हूँ। सो गाइस यहाँ पे ना एक निखिल भैया अपनी भाभी को, मतलब अब नया नया भाभी बना रहे हैं भाई। भाभी नहीं, क्या बना रहे हैं? दीदी बना रहे हैं क्या? सो गाइस दीदी बना रहे हैं, दीदी अपने निखिल भाई को दीदी बना रहे हैं ये भैया। क्या बोल रहा हूँ गाइस, मुंह में कुछ भी निकल जा रहा है। अच्छा। सो गाइस यार बहुत दिनों के बाद मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि निखिल की गर्लफ्रेंड कौन है। मतलब सीरियसली वाली गर्लफ्रेंड, मतलब लाइफ टाइम वाली गर्लफ्रेंड। एंड ये है गाइस, मेरे मतलब किसी को मत बताना बोले थे, लेकिन सॉरी भैया क्योंकि मेरे को कंटेंट नहीं था, इसलिए मैं बोल दिया। इजहार कर दिया। हाँ, और कैसे हो? बस। ये क्या है? क्यों? राम 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 राम। चलो अयोध्या ले जा रहे हो भाभी को? अभी नहीं यार, अभी बहुत भीड़ है वहाँ पे, फंस जाऊंगी वहाँ पे, मर जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, आप तो 7 जन्मों तक मतलब दूरी में बंधे हुए। दूर ले गया 7 जन्म। अरे राम मंदिर में शादी कर लेना ना 20 तारीख को। अभी 7 साल 22 तारीख को। क्या ख्याल है आपका, निखिल के साथ शादी करोगे? क्यों नहीं, नहीं करूंगी। अरे बहुत पैसा वाला है, बहुत पैसा वाला है, हमेशा दाल चावल खाता है। रोटी कभी नहीं खाता है, तेरे को रोटी भी बनाना नहीं पड़ेगा, बता। फायदे में रहूंगी मतलब। हाँ, और तेरे को काम तो बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, नौकरानी रख लेगा घर। मायला चलो, आप ही को बुलाऊंगी फिर। बिल्कुल, बर्तन मारने के लिए मैं आ जाऊंगा। चल फिर डन है। हाँ, कितना दोगे? इधर सेठ से पूछो भाई। सेठ जी, हाँ बोल, कितना दोगे महीने? 150 रुपया देगा। 150 रुपया देगा। चल रहे, ठीक है, डील ओके, डील ओके, ठीक है ठीक है। हमारा भाई मिल गया दोस्तों, न्यू भाई। हाँ, न्यू भाई, मतलब भाई नहीं भाई। अच्छा। और भाभी जी ठीक है?
भाभी लोग से हाथ नहीं मिलाना है। मतलब क्या मिलाना है? पैर पड़ना है भाभी लोग। अच्छा, हमको सिखा रिया है। चलो झुको, चलो झुको, भाभी लोग का पैर पड़ना है, मन झुको। तो गाइस चप्पल भी टूट गया यार भैया। क्या कर रहे हो अपने ऑडियंस को? अपनी भाभी के लिए एक नया वाला चप्पल भी नहीं दिला सकते? अभी चप्पल नहीं, जूता खरीदेंगे। अरे तो उसमें मेरा क्या फायदा? दोस्तों, मेरा दोस्त की गर्लफ्रेंड चाय पीना छोड़ दी। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। बिकॉज क्यों नहीं पीना चाहिए हमारे ऑडियंस को बताइए। चाय मत पियो। हीरोइन बनना है तो लड़के लोग पियो यार। लड़के लोग तो हीरोइन नहीं बनते ना, हीरो बनते हैं लड़के लोग। सुनना, कॉफी पिएगी? नहीं, मीठा चीज छोड़ के बाकी सब। अच्छा, रसगुल्ला खाएगी? मीठा चीज छोड़ के बाकी सब। अच्छा, निकल खाएगी? खट्टा है? कड़वा है, कड़वा चीज नहीं खाती। तू सारा मेरा बेइज्जती करवाने पे। नहीं भाई, तू कड़वा है भाई, तू टेंशन मत ले। ठीक है, मेरा दोस्त कड़वा है और कड़वा ही रहेगा। सो गाइस, अभी इसका दूसरा बॉयफ्रेंड को लगा रही है। निखिल तेरे को धोखा दे रही है। यस, मैं खुश हूँ, बोल देना। खुश हूँ सच में? तू भी तो ऐसी है, हजारों लड़की एक साथ चैट करते रहता है, क्या बोल सकते हैं गाइस। तो चले दोस्तों, काफी शाम हो चुका है।